दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इतनी इस तरह की कार्रवाई हुई होगी, नरेंद्र मोदी रहेंगे लोकतंत्र नहीं रहेगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है, जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं उसमें बहुत छोटा अंश जो है लॉ एंड ऑर्डर का है ना। चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ के और ये बिल्कुल तानाशाही वाली जो कार्रवाई हो रही है उसको देखने का कोई औचित्य तो है नहीं। तो न्यूनतम कार्यक्रम तो बनता ही था करना, जो आज उन लोगों ने डिसाइड किया है। हमारे जैसे आदमी की राय होगी कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जो है होना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल संसद को माने विरोध मुक्त कर दे रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में माने हमको नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इतनी इस तरह की कार्रवाई हुई होगी कि सदन से विरोधी दलों को ही निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि लोकतंत्र है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी रहेंगे लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो नरेंद्र मोदी रहेंगे, यही स्थिति हो गई है। जगदीप धनखड़ के मिमिक्री मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वीडियो शूट किया लेकिन मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि उनका वीडियो शूट हुआ, लेकिन 150 MP सस्पेंड हुए ये कोई नहीं दिखा। उसको जो घटना है, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, 150 सांसद जो है निकाल बाहर किए गए, इस घटना पर नजर नहीं जाए, इसको छोटा बना करके मैंने ये कहा जा रहा है कि साहब मिमिक्री उन लोगों ने धनखड़ का किया। आप ऐसे आदमी को उस कुर्सी पर क्यों बैठाए हैं जिसकी मिमिक्री की जा सके, वो तो मिमिक्री साक्षात हैं। जेडीयू के सांसद सुनील पिंटू ने कहा कि नीतीश जी को चाहते हैं जेडीयू और बिहार के लोग की प्रधानमंत्री बनाया जाए और ये जो मीटिंग हुई थी ये सिर्फ चाय पार्टी हुई थी। ये सब जो है व्यंग है, व्यंग में बोल रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि सुनील कुमार पिंटू जो है आजीवन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे हैं। जब नीतीश जी उस गठबंधन में थे, NDA में थे, उस समय जो है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट इनको उधार दे दिया, वो उधार पर हैं, फिर जो है मूल में जाना चाहते हैं। एक घटना हो रही है बाबा, कल रात में भी एक महिला कांस्टेबल को पटना में गोली मार दी, लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सवाल खड़ा हो रहा है बिहार में। देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है, जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं उसमें बहुत छोटा अंश जो है लॉ एंड ऑर्डर का है, और बाकी जिस ढंग से अपराध हो रहा है, बेटा माँ को मार रहा है तो पोता दादी को मार रहा है, तो पति जो है पत्नी को मार रहा है, ये स्थिति पैदा हो गई है। ये जो घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के दिमाग में जो एक तनाव है, गुस्सा है, खीज है, ये जो सिस्टम चल रहा है, गैर बराबरी चल रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है, उसी का ये प्रकटीकरण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराध नहीं हो रहा है, दुनिया भर में अपराध हो रहा है, हमारे देश के हर राज्य में अपराध हो रहा है, लेकिन सभी अपराध को आप लॉ एंड ऑर्डर के श्रेणी में नहीं रख सकते। समाज में जो हिंसा बढ़ी है उसका एक्सप्रेशन है, उसकी ये अभिव्यक्ति है, और हमको लग रहा है कि आगे चल के और इस तरह की घटना होगी। पुलिस में जवान लड़के भर्ती हुए हैं, जवान लड़कियां भर्ती हुई हैं, पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, इस तरह की घटनाएं होंगी। इसलिए माने हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस तरह की बात नहीं।